मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लॉस एंजल्स सिटी में सुबह सुबह आसमान से कुछ मिस्टीरियस ब्लू लाइट धरती पर गिर रही है। एक लड़की जिसका नाम एलेन है, वो नींद से उठकर बाथरूम जाती है और वॉमिट करने लगती है। फिर बाहर आकर वो देखती है कि विंडो से कुछ ब्लू कलर की रोशनी दिखाई दे रही है। कंफ्यूज होकर वो अपने हस्बैंड जैरेड को नींद से जगाती है, जो इस मिस्टीरियस ब्लू लाइट को विंडो के पास जाकर देखने की कोशिश करता है। अब जैसे ही वो उस ब्लू लाइट से आई कांटेक्ट करता है, वो हिप्नोटाइज होकर उसकी आंखें चमकने लगती हैं और उसका शरीर भी जोम्बी जैसा होने लगता है। अब मूवी एक दिन फ्लैशबैक में चली जाती है। एलेन और जैरेड प्लेन में ट्रेवल करते दिखाई दे रहे हैं। दोनों टेरी के बर्थडे पार्टी में जा रहे होते हैं, जो जैरेड का बेस्ट फ्रेंड है। टेरी जैरेड को पिक करने के लिए एक बहुत ही महंगी कार भेजता है, जिसे देख वो सरप्राइज हो जाता है। फिर टेरी जैरेड और एलेन को वेलकम करके उन्हें पूल एंजॉय करने के लिए लेके जाता है। पूल में एलेन टेरी की वाइफ कैंडिस और टेरी की असिस्टेंट डेनिस से काफी घुल मिल जाती है और सारे इंजॉय करने लगते हैं। अब बर्थडे पार्टी में टेरी जैरेड और एलेन को अपने फ्रेंड रे से मिलवाता है, जो उसका बिजनेस पार्टनर है। बातों बातों में रे दोनों से रिवील करता है कि टेरी जैरेड को वहीं लॉस एंजल्स में जॉब ऑफर करने वाला है, जिसे सुनकर एलेन अपसेट हो जाती है और वहां से चली जाती है। दरअसल वो नहीं चाहती थी कि दोनों अपनी सिटी को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हों, लेकिन जैरेड को इस जॉब ऑफर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए वो एलेन को समझाने के लिए उसके पीछे जाता है। वहाँ एलेन उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर जैरेड ज्यादा खुश नहीं होता। अब मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ आसमान से मिस्टीरियस ब्लू लाइट धरती पर गिरने लगती है और अर्थक्वेक भी शुरू होता है। रे और डेनिस कल रात की पार्टी इंजॉय के बाद टेरी के ही लिविंग रूम में सो जाते हैं। अर्थक्वेक के कारण दोनों जाग जाते हैं और रे कंफ्यूज होकर उस लाइट्स को देखने के लिए विंडो की तरफ जाने लगता है। अब जैसे ही वो ब्लू लाइट से आई कॉन्टेक्ट करता है, उसकी आंखें चमकने लगती हैं और उसका चेहरा जोम्बी जैसा होने लगता है। वो पूरी तरह हिप्नोटाइज होकर लाइट की तरफ बढ़ने लगता है और अचानक उस लाइट में खींच लिया जाता है। दरअसल उस लाइट में एक तरह का वायरस होता है और जब कोई इंसान या जानवर उस लाइट में डायरेक्टली देखता है, तो वो वायरस उस इंसान के ब्रेन को कंट्रोल करने लगता है। रे को लाइट में गायब होता देख डेनिस हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। जब जैरेड उसकी आवाज़ सुनकर बाहर आता है, तो वो उसे बताती है कि रे उस लाइट में कहीं गायब हो गया। फिर जैरेड उसे देखने के लिए विंडो की तरफ बढ़ता है और कंफ्यूज होकर उस लाइट्स को डायरेक्टली देख लेता है। अब जैसे ही वो लाइट से आई कॉन्टैक्ट करता है, हिप्नोटाइज होकर वो लाइट की तरफ खींचा जाने लगता है। लेकिन तभी टेरी आकर उसे रोक लेता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। अब अचानक वो ब्लू लाइट्स धरती पर गिरना बंद होने लगती हैं। थोड़ी देर बाद जैरेड को होश आता है और उसका चेहरा भी नॉर्मल होने लगता है। सारे डरे होने के कारण पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, पर पता चलता है कि कोई उनका कॉल रिसीव नहीं कर रहा। वो नोटिस करते हैं कि टीवी भी नहीं चल रहा है और इंटरनेट पर भी सुबह से कुछ अपडेट नहीं हुआ है। अब टेरी और जैरेड बाहर जाकर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। टेरेस पर जाकर देखने पर दूर उन्हें वो ब्लू लाइट्स आसमान से धरती पर गिरते दिखाई देती है। जैरेड अपना कैमरा जूम करके देखने पर उसे पता चलता है कि वो लाइट्स इंसानों को ऊपर खींच रही है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ एक जायंट एलियन स्पेसशिप है, जिसमें से काफ़ी सारे एलियन ड्रोन्स बाहर आ रहे हैं और वो मिस्टीरियस ब्लू लाइट्स उन्हीं सारे ड्रोन से नीचे धरती पर गिर रहे हैं। दरअसल उन लाइट्स में एक तरह का वायरस होता है, जिससे लोग हिप्नोटाइज होकर लाइट्स के जरिए ड्रोन्स में खींच लिए जाते हैं। ये देख जैरेड अपने कैमरे से फोटोज क्लिक करने लगता है। तभी एक ड्रोन उनकी तरफ आता देख दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन टेरेस का डोर जैम होने के कारण खुल नहीं पाता और वो लोग उसे खोलने की काफी कोशिश करते हैं। अब ड्रोन उनके पास आ ही जाता है कि तभी एलेन दूसरी ओर से डोर ओपन करती है और अचानक उसकी नजर
ड्रोन से निकलती लाइट्स पर गिरती है। फिर वो भी हिप्नोटाइज होकर ड्रोन की तरफ खींची जाने लगती है, लेकिन जेरेड उसे पकड़ लेता है और उसे अंदर लाकर डोर बंद कर देता है। अपार्टमेंट में आने पर एलेन नॉर्मल होने लगती है, लेकिन जेरेड देखता है कि उसके बॉडी के मार्क्स पूरी तरह रिकवर नहीं हुए होते। उसके बाद टेरी अपने पड़ोसी वॉल्ट के पास उसकी कार की कीज लेने जाता है ताकि वो लोग उसकी और टेरी की कार में वहां से भाग सकें। अब वो उसके कार की कीज उठाता ही है कि तभी एक ड्रोन वॉल्ट के विंडो के पास आता है और दोनों छुप जाते हैं। फिर उस ड्रोन से एक टेंटिकल रूम के अंदर आकर चेक करने लगता है। तभी ड्रोन से निकलती आवाज पर वॉल्ट का कुत्ता भौंकने लगता है और उससे छूटकर ड्रोन की तरफ भागता है। अपने कुत्ते को बचाने के लिए वॉल्ट भी उसके पीछे जाने लगता है और उसी वक्त उस ड्रोन से निकलती लाइट्स उन्हें अपने अंदर खींच लेती है। फिर टेरी भागकर अपने अपार्टमेंट में आता है और अपने फ्रेंड्स को उसके साथ वहां से निकलने के लिए कहता है। अब जेरेड गेस करता है कि वो लोग शायद समुंदर पर सेफ हो सकते हैं, क्योंकि टेरेस से देखने पर उसने नोटिस किया था कि वो ब्लू लाइट्स समुंदर पर नहीं गिर रहे थे। लेकिन एलेन को लगता है कि वो लोग घर में ही सेफ रहेंगे, इसलिए वो वहां से निकलने के लिए मना कर देती है। अब जेरेड उसे मनाने की कोशिश करता है, तभी उसके विंडो के पास एक ड्रोन आकर अंदर देखने लगता है, पर सारे लोग छुपे होने के कारण उसे वहां कोई नहीं दिखता और वहां से चला जाता है। अब सारे वहां से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं और पार्किंग लॉट में आकर टेरी और वॉल्ट की कार में जाने लगते हैं। टेरी डेनिस के साथ कार में आगे जाने लगता है और दूसरी कार में जेरेड, एलेन और कैंडिस उन्हें फॉलो करने लगते हैं। अब जैसे ही टेरी की कार बिल्डिंग से बाहर निकलती है, एक जायंट ड्रोन का पैर उनकी कार पर गिरकर कार को क्रश कर देता है। डेनिस की कार में ही डेथ हो जाती है, पर टेरी किसी तरह बचकर कार से बाहर निकलता है और पार्किंग लॉट में वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त उस ड्रोन से एक टेंटिकल आकर उसे अंदर खींच लेता है और वो मर जाता है। फिर कैंडिस अपनी कार रिवर्स लेकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके सामने एक ड्रोन आकर उन पर अटैक करने लगता है। अब वहीं पार्किंग लॉट में एक कपल अपनी कार में वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी उस आदमी की नजर ड्रोन से निकलती लाइट्स पर पड़ती है और वो हिप्नोटाइज होकर ड्रोन के अंदर खींच लिया जाता है। फिर उस आदमी की वाइफ वहां से भागकर इन लोगों के पास आती है और सारे उसे लेकर बिल्डिंग के एक डोर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर डोर लॉक होता है और वो लोग हेल्प के लिए पुकारने लगते हैं। अब जैसे ही वो ड्रोन उनके पास आता है, जेरेड की नजर उस लाइट्स पर पड़ती है और वो हिप्नोटाइज होकर ड्रोन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी बिल्डिंग का मैनेजर ओलिवर अपनी कार से उस ड्रोन को क्रश करके मार देता है। फिर वो लेडी देखती है कि उसका हस्बैंड अभी भी जिंदा है और ओलिवर की मदद से उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उस ड्रोन से एक टेंटिकल बाहर आता है और उस आदमी का ब्रेन निकाल कर अपने ब्रेन की जगह रिप्लेस कर देता है। फिर ओलिवर के पास रही डोर की की से वो लोग बाहर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन बाहर आने पर एक जायंट एलियन उन पर अटैक करने लगता है और अपने टेंटिकल से उस लेडी को अपने अंदर खींच लेता है। अब बाकी बचे लोग अपनी जान बचाकर वापस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और टेरी के अपार्टमेंट में जाकर छुप जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और ओलिवर बाइनोकुलर की हेल्प से विंडो से बाहर नजर रख रहा है। वो देखता है कि एलियंस पूरे सिटी को डैमेज कर रहे हैं और कोई उन पर रिटर्न फायरिंग भी कर रहा है। अब दूसरा दिन शुरू हो चुका है और जेरेड अपनी बॉडी पर बढ़ते मार्क्स को देखकर परेशान होने लगता है। इसी बीच उन्हें बाहर से कोई आवाज सुनाई देती है और बाइनोकुलर से देखने पर पता चलता है कि US एयर फोर्स एलियन स्पेसशिप पर अटैक कर रही है। काफी देर के फायरिंग के बाद मालूम होता है कि स्पेसशिप पर फायरिंग का कोई असर नहीं हो रहा और अब एयर फोर्स के कुछ ही प्लेन्स बचे हुए हैं। आखिर में एक बॉम्बर प्लेन न्यूक्लियर मिसाइल फायर करता है और उस जायंट मदरशिप में बड़ा धमाका होकर पूरी सिटी हिल जाती है। धीरे धीरे वो स्पेसशिप जमीन पर गिरने लगता है और चारों सर्वाइवर्स खुश होने लगते हैं।
लेकिन कुछ देर बाद पता चलता है कि स्पेसशिप के एलियंस अभी भी जिंदा हैं और अब ज़्यादा गुस्से में हैं। फिर जैरेड देखता है कि बगल वाली बिल्डिंग के टेरेस पर हेलीकॉप्टर से कुछ सोल्जर्स उतरे हैं। वो अपनी बिल्डिंग के टेरेस पर जाकर उनकी हेल्प लेने की सोचता है, पर ओलिवर उसे मना कर देता है और एलन को भी उसके साथ जाने से रोकने लगता है। अब जैरेड को ओलिवर पर गुस्सा आता है और उसका चेहरा जॉम्बी जैसा होने लगता है। वो ओलिवर का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ देर बाद नॉर्मल होने पर उसे छोड़ देता है। जैरेड का ये एग्रेसिव रूप देखकर एलिन डर जाती है, पर जैरेड उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। अब एलिन जैरेड पर भरोसा कर उसके साथ निकलने के लिए तैयार हो जाती है और कैंडिस ओलिवर के साथ वहीं रहने का डिसाइड करती है। अंदर रहकर कैंडिस बायनोकुलर से टेरेस पर नजर रख रही होती है। तभी अचानक वो जॉम्बी जैसे होने लगती है, क्योंकि बाहर रहे ड्रोन की लाइट्स उस पर पड़ रही थी। पर्दा खोलने पर वो ड्रोन से आ रही लाइट से हिप्नोटाइज हो जाती है और ओलिवर के पहुंचने से पहले ड्रोन में खींच ली जाती है। अब टेरेस पर जैरेड और एलन को नोटिस करने पर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने के लिए आ रहे होते हैं। तभी एक जायंट एलियन उन पर अटैक करने लगता है, जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। लेकिन उसी वक्त एक सोल्जर उस एलियन पर मिसाइल अटैक करता है, जिससे वो एलियन घायल होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर वो रिकवर होकर गुस्से में पूरी बिल्डिंग पर अटैक करने लगता है। यहाँ ओलिवर को लगने लगता है कि उसके बचने का कोई चांस नहीं है, इसलिए वो गैस स्टोव स्टार्ट कर एलियन के आने का वेट करने लगता है। जैसे ही एक एलियन विंडो के पास आता है, उसे पता चलता है कि लाइटर स्टार्ट नहीं हो रहा। अब एलियन अपने टेंटिकल से ओलिवर को घायल कर उसे अपने अंदर खींचने लगता है। लेकिन तभी वो एक बार फिर लाइटर जलाने की कोशिश करता है और इस बार वहाँ ब्लास्ट होकर उसके साथ एलियन भी मर जाता है। टेरेस पर ज़्यादा फायरिंग होने की वजह से जैरेड और एलिन बिल्डिंग के अंदर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोर खोलते ही एक एलियन अपने टेंटिकल से एलिन को पकड़ लेता है, जिसके बाद जैरेड एक्स की मदद से उस पर वार कर एलिन को बचा लेता है। अब वहाँ दूसरा एलियन जैरेड को जख्मी कर उसका ब्रेन निकालने की कोशिश करता है, पर उसी समय एलिन पीछे से उस एलियन पर एक्स से अटैक करती है और उसका ब्रेन निकाल देती है। लेकिन ब्रेन निकालने के बावजूद वो जिंदा होता है और एलिन पर अटैक करने जाता है। तभी जैरेड जॉम्बी के रूप में बदल जाता है और अपनी पूरी ताकत से एलियन का सामना कर उसे मार देता है। अब ज़्यादा जख्मी होने के कारण जैरेड से और भागा नहीं जा सकता, इसलिए वो एलिन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन एलिन उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होती और उसके पास ही रहती है। फिर उनके बचने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आने पर वो दोनों हिम्मत हार जाते हैं और मदरशिप से आती ब्लू लाइट्स को देखकर अंदर खींच लिए जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलियंस ने पूरे सिटी पर कब्जा कर लिया है और वहाँ कोई इंसान दिखाई नहीं देता। अब मदरशिप के अंदर काफ़ी सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, लेकिन एलिन अब भी जिंदा है और होश में आने लगती है। वो देखती है कि मशीन्स एक एक करके सारे डेड बॉडीज से ब्रेन को निकाल कर एक ट्यूब से ऊपर खींच रहे हैं। तभी उसकी नज़र जैरेड की बॉडी पर गिरती है और वो उसे देखने के लिए उसके पास जाने लगती है। लेकिन उसी वक्त वो मशीन आकर जैरेड का ब्रेन निकाल देता है और उसकी बॉडी को फेंक देता है। फिर वो मशीन एलिन का ब्रेन निकालने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वो प्रेग्नेंट होने का पता चलने पर उसके ब्रेन को नहीं निकालता और उसे दूसरे चैम्बर में भेज देते हैं, जहां बाकी प्रेग्नेंट लेडीज को रखा होता है। अब हम देखते हैं कि सारे ब्रेन्स को एक एक कर नए एलियंस के बॉडी में फिट कर रहे हैं। जैरेड का ब्रेन भी एक एलियन में फिट कर देते हैं, जिसके बाद उसका ब्रेन उस एलियन की बॉडी को कंट्रोल करने लगता है। दूसरी तरफ एलिन देखती है कि सारे प्रेग्नेंट लेडीज़ को मारने से पहले उनके बॉडी से बच्चे को निकाल देते हैं। अब एक एलियन उसके बच्चे को निकालने के लिए उसके पास आता है। तब जैरेड, जो अब एक एलियन है, वो एलिन को बचाता है और उस एलियन को मार देता है। फिर वो एलिन की तरफ बढ़ता है, जिसे देख वो काफ़ी घबराने लगती है। पास पहुँच कर वो उसके पेट और माथे को सहलाने लगता है।
जिससे एलेन को पता चलता है कि वो एलियन जेरेड है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब हम आपको मूवी की कुछ और बातें क्लियर कर देते हैं। सबसे पहली बात कि मूवी में एलियन अटैक का रीजन ये था कि उन्हें नए ह्यूमन ब्रेन्स की जरूरत थी जिससे वो अपने पुराने या डेड ब्रेन्स को रिप्लेस कर सके। जब उन एलियंस के ब्रेन डैमेज या डेड या ज्यादा इस्तेमाल की वजह से कम पावरफुल हो जाते हैं तो उन्हें फंक्शन करने के लिए नए हाई प्रोसेसिंग ब्रेन्स की जरूरत पड़ती है और यही चीज मूवी के एंड में दिखाई गई है कि कैसे जब ह्यूमन ब्रेन्स को उन एलियंस में फिट किया जाता है तो उसके बाद उनमें फिर से जान आ जाती है। दूसरी चीज कि मूवी में सभी इंसानों के ब्रेन्स ब्लू कलर में दिखाए गए हैं लेकिन जेरेड का ब्रेन रेड कलर का था क्योंकि वो एक ही ऐसा इंसान था जो ड्रोन से निकलती ब्लू लाइट्स के दो बार सामने आने पर भी जिंदा बच गया था। पहली बार टेरी उसे लाइट में खींचे जाने से बचाता है और दूसरी बार पार्किंग लॉट में ओलिवर, और इस कारण उसके बॉडी पर वो मार्क्स वैसे ही रहते हैं क्योंकि शायद वो लाइट से मिले एलियन वायरस उसके डीएनए में जाकर उसके ब्रेन को पावरफुल बना रहे थे। इस साइंस फिक्शन मूवी का नाम है स्काईलाइन, जो 2010 में रिलीज हुई थी। कैसी लगी आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।